वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। एक्चुअली आज बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल वीडियो है। मैं पिछले 5 महीने से इस चैनल पर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले नहीं। कभी 37, कभी 36, कभी 15, कभी 7 व्यूज़ तक मेरे चैनल के वीडियोस पर हैं। बट पिछले महीने जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका नाम था हाउ टू इंक्रीज़ योर KD रेशियो, अपना KD रेशियो कैसे बढ़ाएं, तो ये मैंने वीडियो पिछले महीने अपलोड किया था। लेकिन मैंने इस पर 1 महीने से देखा तक नहीं था कि इस पर कितने व्यूज़ मुझे आ गए हैं। और अभी मैंने परसों रात में जब इसे खोल के देखा तो मेरे इस वीडियो पर 50,000 व्यूज़ से भी ज़्यादा आ चुके थे। और अभी जिस समय पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे उस वीडियो पर हैं 73,000 व्यूज़ और मेरे चैनल पर हैं 751 सब्सक्राइबर। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर व्यूइंग दैट वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और अब चूंकि मैं अपने वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा खुशी के साथ बना सकता हूँ, तो पिछले वीडियोस पर जो कमेंट्स बहुत सारे मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा कि उन्हीं में से एक कमेंट को देखा जाए और उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो काफ़ी सारे हमारे भाई ने बोला है कि हम पिंग के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का टाइटल पिंग ही रखते हैं। तो चलो भैया, पिंग के ऊपर वीडियो बनाया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत छोटे वीडियो में बता पाऊँ कि एक्चुअली पिंग होता क्या है। सो आई गेस लेट्स गो। सबसे पहले तो ये पता कर लिया जाए कि ऑनलाइन गेम्स काम कैसे करते हैं। तो होता यूँ है कि आपके फ़ोन में गेम डेटा डाउनलोडेड है, लेकिन उस गेम की प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है। आप गेम में जंप करते हो, शूट करते हो, ड्राइव करते हो, बेसिकली कोई भी एक्शन जब आप लेते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ोन से सर्वर के पास जाती है। फिर सर्वर से एक रिटर्न रिस्पॉन्स आता है। मान लीजिए आपने किसी बंदे को AWM से शूट किया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पर जाएगी, फिर उसका रिटर्न रिस्पॉन्स वापस आएगा कि हाँ बुलेट उसको लगी है और फिर वो नॉकआउट हुआ है। तब आपके फ़ोन पर डिस्प्ले होगा कि यू नॉकड आउट दैट पर्सन विथ AWM। तो ये आपके फ़ोन और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, उस समय को हम पिंग बोलते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल समझने के लिए, लेकिन हमें इससे नुकसान क्या क्या है। आप कभी कभी एक बंदे के ऊपर फायर करते रह जाते हो लेकिन वो नॉकआउट नहीं होता, तो उसका क्या रीज़न है। यहाँ पे 40 मिलीसेकंड पे शूट किया हुआ एक डेमो वीडियो है। आपने बुलेट फायर की, आपके फ़ोन में भी तुरंत लग गई और सर्वर पे भी ज़रा सी देर बाद उसको जाके बुलेट हिट हो गई, तो यहाँ पे उस बंदे को डैमेज हुआ। अब 300 मिलीसेकंड पे देखिए, सर्वर पे बुलेट थोड़ी सी देर बाद लगी, इसका मतलब बंदा अगर थोड़ा सा मूव करता है तो उसको थोड़ा सा कम डैमेज होगा, मतलब ज़्यादा बुलेट नहीं पड़ेंगे। वहीं अगर 960 ms है तो देखो आप कितनी देर बाद बुलेट लगी, इसके बीच में बंदा अगर अच्छे से मूव कर गया हो तो उसको बुलेट पड़ेगी ही नहीं, तो डैमेज होगा ही नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पबजी में सिर्फ 968 तक ही पिंग शो कर सकता है, इसके ऊपर पिंग शो नहीं कर पाएगा। अगर 2 सेकेंड होगी, 10 सेकेंड होगी, 50 सेकेंड भी होगी अगर पिंग, तो वो उसको शो नहीं करेगा, वो आपको 968 ms ही शो करेगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर 2 सेकेंड ही पिंग हुई तो कुछ ऐसा होगा, आपने फायर किया, आपकी गेम में तो बुलेट उसे लगती हुई दिखाई थी, पर सर्वर के हिसाब से तो बंदा 1 सेकेंड बाद ही कवर में चला गया था, तो उसे डैमेज हो गई नहीं। समझे मियाँ? अब ये रहा फाइनल लाइव एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने इंटेंशनली अपनी पिंग जो है वो हाई करके रखी है 568 ms। तो यहाँ पे आप देखना कि वो M24 से मुझ पे शॉट लेगा, लेकिन जिस समय पर मैं पीक कर रहा हूँ उस समय पर मुझे बुलेट नहीं लगेगी, जब मैं अंदर हो चुका हूँ उसके बाद मुझे बुलेट लगेगी। आप सब ध्यान से देखिए आप उसको, जब मैं अंदर हो चुका हूँ उसके बाद, फिर से स्लो मोशन में देखिए, ये मैं अंदर हो चुका हूँ उसके बाद मुझे डैमेज हुआ है। तो ये है पिंग का लॉस। यहीं पर अगर मेरी हेल्थ पहले से अगर कम होती तो मैं डायरेक्ट किल हो जाता, तो ये हमारी पिंग का एक बहुत बड़ा लॉस है जो हम पिंग की वजह से मारे जाते हैं कई बार। यहाँ पे एक बार और देखिए, मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ, एक सोलो गेम है, तो अगर मेरी पिंग 500 भी चल रही है, 500 इस मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और उसने मेरे ऊपर फायर लिया और ये मैं गया। तो ये है जो पिंग की वजह से हमें लॉस होता है। तो हम ये पिंग जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बताना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो आपके फ़ोन जो है और वो पबजी का सर्वर पे जो कनेक्टेड होता है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, तो आपका फ़ोन जो है वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली कोई भी हो सकता है, एयरटेल है, BSNL है, आइडिया है, ये मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर है, और वो ब्रॉडबैंड के भी हो सकते हैं। आपका फ़ोन एयरटेल पर कनेक्टेड है और आपके अपोनेंट का फ़ोन जियो पर कनेक्टेड है। जियो का सर्वर काफ़ी हैवी चलता है, काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, इस वजह से थोड़ी पिंग हाई हो जाती है। और आपका अगर एयरटेल पर
है उसे काफ़ी सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका पिंग नॉर्मल हो सकता है। तो इस तरह से पिंग वैरी हो सकता है। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर भी एक फैक्टर है। अगर आपका पिंग हाई आ रहा है तो आपके नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपकी जो सिम है आप उसे चेंज करके देख लीजिए। और दूसरा सोल्यूशन है VPN सर्विसेज। आप VPN की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसे एक्टिवेट करके आप VPN सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इससे पिंग में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। एंड दैट वॉज द होल वीडियो ऑन पिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंडोनेशियन सर्वर। काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स लॉबी में आके बोलते हैं इंडो सर्वर लग गया यार, चल वापस चलते हैं। तो ये क्या है ये इंडोनेशियन सर्वर, और क्रॉस सर्वर मैचिंग क्या होती है, और हमारे इंडियन यूजर्स क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग करना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं अपना वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।